सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। आज हम आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया वर्जन आ चुका है 14.0 का। तो इस अपडेट में हम आपको तीन नए महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी देंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अपडेट आए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स न्यू में ये जो अपडेट आया हुआ है 10 जून 2022 को आया हुआ है। इसका यहाँ पे पहला जो अपडेट है काउंट ऑन बेनिफिशरी लिस्ट, जैसे कि आप लोग किसी भी लाभार्थी को यानी किसी भी कैटेगरी में कितने लाभार्थी हैं उसको आप लोग फिर से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जो कि पिछली बार अपडेट आया हुआ था, फिर उसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया गया है। दूसरा अपडेट है यूएल रेड साइन फॉर बेनिफिशरी एडिशन, यानी कि बेनिफिशरी एडिशन का जो ऑप्शन था लाभार्थियों की कैटेगरी से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से उसको दोबारा से चालू किया गया है, उसका यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। तीसरा जो अपडेट है वो माइनर बग फिक्सेस है, जैसे कि पिछली बार जो अपडेट आया हुआ था 13.9 का, तो उसमें काफ़ी सारी आंगनबाड़ी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है या और भी कहीं पे जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको तीनों अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि ये अपडेट किस प्रकार से काम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एरो पर क्लिक करके कि ये जो अपडेट है वो 14.0 का अपडेट न्यू वर्जन आ चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको लिख के सर्च करना है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपके पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग सिंपली यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है, इसको हम लोग सिंपली ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो होम पेज है वो दिखाई देगा। पिछली बार जो 13.9 का अपडेट आया हुआ था जिसमें कि ये जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे ऐड किया गया था। तो चलिए हमारी बारी से समझते हैं। वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहली जो अपडेट आई है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि बेनिफिशरी वाली जो कैटेगरी है इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी आपको कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देंगे उन सभी कैटेगरी के नीचे यहाँ पे काउंटिंग करने का ऑप्शन आ गया है कि कितने लाभार्थी आपके किस कैटेगरी में ऐड किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अपडेट है कि अब आप लोग किसी भी लाभार्थी की कैटेगरी को काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने लाभार्थी को यहाँ पे ऐड किया है, इस प्रकार से आप लोगों का ऑप्शन दिखाई देगा। और चलिए अब हम लोग दूसरी अपडेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दूसरी अपडेट भी बेनिफिशरी वाली कैटेगरी में ही है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन हटा दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पिछली अपडेट में ये जो ऑप्शन था यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, लेकिन फिर से उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आप यहाँ पे दो तरीक़ों से किसी भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं प्लस वाला आइकॉन, इस पर भी क्लिक करके आप किसी भी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से गर्भवती महिला स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोरवय लड़कियाँ, बच्चे, जो भी बच्चे हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह रहा आपका दूसरा अपडेट। और जो तीसरा अपडेट है वो माइनर बग फिक्सेस के बारे में है। जैसे कि अभी भी बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को होम विजिट में भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे होम विजिट वाले में एक बात यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो लेट वाला ऑप्शन आप लोग पिछले बार से देख रहे थे कि जो लेट वाला ऑप्शन काफ़ी सारा यहाँ पे भारतीयों का लेट वाला सूची है वो दिखा रहा था, उसको 13.9 से ही उसको ठीक कर दिया गया है। जैसे कि 13.9 से ही जो भी लाभार्थी लेट वाले ऑप्शन में चले गए थे उसको यहाँ से फाइनली हटा दिया गया है। आप किसी भी कैटेगरी को ओपन करके देख सकते हैं जो लेट वाले ऑप्शन में ऑप्शन से लाभार्थी हैं उनको हटा दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। अब आप लोग यहाँ पे एक काम कीजिएगा कि जितने भी लाभार्थी का यहाँ पे आज के लिए जो गृह भ्रमण करने का ऑप्शन दिया जा रहा है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग फिर से यहाँ पे गलती करेंगे तो जो लेट वाला ऑप्शन है फिर से यहाँ पे भरना चालू हो जाएगा। किसी भी कैटेगरी को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे जो लेट वाला ऑप्शन है इसमें बहुत कम ही मात्रा में जो लाभार्थी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आज वाला जो डेटा मिल रहा है उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आज का तारीख सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे आसानी से ये सभी प्रोसेस यहाँ पे हो जा रहा है, अब कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने सबमिट किया और यहाँ पे होम विजिट वाला जो ऑप्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है।
तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 14.0 में ये सभी अपडेट आए हैं। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनें प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से 14.0 का जो न्यू वर्जन आया है उसको अपडेट कर लीजिए, ताकि आप लोग के भी पोषण ट्रैकर ऐप में जो बेनिफिशरी वाली कैटेगरी है यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या दिखाई देने लगे। तो उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।